अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हेलो नमस्कार एंड जय जिनेन, वेलकम टू आशा किचन कॉर्नर। आज की मेरी रेसिपी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, इसका नाम है ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स पेनकेक। ये बहुत ही हेल्दी और लो कैलोरी रेसिपी है, ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ओट्स बहुत ही हेल्दी होता है, ये होल ग्रेन्स होता है, इसमें फाइबर्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स में भी प्रोटीन होता है, साथ ही मैंने सब्जियां ऐड की हैं जिसमें कई विटामिन भी हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है ओट्स 1 कप, कॉर्नफ्लेक्स 1 कप, सूजी 1 कप, ग्रेट की हुई गाजर ये भी 1 कप, लौकी इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है ये आधा कप ली है, चॉप्ड की हुई हरी धनिया पत्ती 1 कप, और 1 कप दही लिया है, और 1 पाउच इनो लिया है, ये नॉर्मल फ्लेवर का लेमन फ्लेवर वाला इनो है, और साथ में लेना है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। अब ओट्स को मिक्सर ग्राइंड में डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए और एक फाइन पाउडर बना लेना है इस तरह से। अब इसको निकाल के इसी तरह से कॉर्नफ्लेक्स को भी ग्राइंड करना है और इसका भी फाइन पाउडर बना लेना है, इसको भी मिक्स कर लीजिए। इसमें मिलाना है सूजी और साथ में डालेंगे दही और इसमें डाल देंगे कद्दूकस की हुई गाजर। गाजर को पूरा नहीं डालेंगे, इसको थोड़ा बचा के रखना है, और इसमें ऐड कर देंगे लौकी और साथ में चॉप्ड की हुई हरी धनिया पत्ती, इसको भी थोड़ा सा बचा लेना है, और डालना है नमक स्वादानुसार। अब इनको मिक्स करिए। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाएं। अब इसको बैटर बनाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए और इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से मीडियम हो जाए, इसको तवे पर आसानी से फैला सके। अब इसमें डालना है इनो, लेकिन इसको अभी नहीं डालेंगे, पहले बैटर को 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें सूजी है इसलिए गाढ़ा हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। मिक्स कर लीजिए और अब लास्ट में डालेंगे इनो पाउडर और इसको बहुत बढ़िया तरीके से फेंटना है जिससे इनो अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में एक साथ। अब एक पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और इसको ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। ऑलिव ऑयल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लो कैलोरी बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो कोई दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और एक चम्मच की मदद से 1 से 1.5 चम्मच बैटर डाल के इसको छोटे छोटे केक के रूप में फैला दीजिए। अभी फ्लेम को हाई कर सकते हैं और साथ में इसके चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल भी डाल दीजिए। और जो हमने गाजर और धनिया पत्ती को बचाया था वो थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर टॉपिंग के रूप में फैला दीजिए जिससे दिखने में सुंदर लगेंगे। ये देखिए लगभग 3 मिनट में ये नीचे से सिक जाएंगे। अब मीडियम फ्लेम ही रखना है, हाई नहीं करिए ये तो नीचे से जल जाएंगे। और इनको पलट देना है, दूसरी साइड भी थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दीजिए और इनको आराम से सिकने दीजिए लगभग 3 मिनट। हल्का सा प्रेस कर दीजिए और इसको 3 मिनट में फिर पलटिए और एक बार फिर से उसको सिकने दीजिए, फ्लेम को लो कर दीजिए। ये देखिए केक सिक चुका है।
अब इनको निकाल के प्लेट में रख लीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, एकदम लाइट हैं और बहुत ही हेल्दी भी हैं। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए सारे केक्स तैयार कर लीजिए। ओट्स वेट और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर मेंटेन करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन को भी हटाता है। इसलिए ओट्स को ज़रूर खाना चाहिए, इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर ही शामिल करें। इस तरह से सारे केक बना के तैयार कर लीजिए। देखिए और भी केक बन चुके हैं। लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ओट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स पेनकेक बनकर तैयार है। ये बहुत ही हल्के हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और बनाने में भी बहुत ही इजी हैं। इसलिए इसको ज़रूर बनाना, एक बार ट्राई करना और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना। और मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। न्यू रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।